माँ किचन कॉर्नर चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन प्रेस करें ताकि वीडियो अपलोड होते ही आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। इस वीडियो को लाइक करें और अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ शेयर करें। हेलो माय यूट्यूब फैमिली, वेलकम टू माँ किचन कॉर्नर। आज हम बनाएंगे बारबेक्यू चिकन सीख कबाब। बहुत ही इजी है, क्विक रेसिपी है, हम घर के मसालों से बनाएंगे और इसे किस तरह से मजेदार बनाने हैं और काफी लोगों के कबाब बनाते वक्त टूट जाते हैं उसकी सबकी टिप्स और ट्रिक्स मैं आपको बताऊंगी। बहुत ही इजी है, चलो इसकी कुकिंग स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम क्या करेंगे, ये मैंने दो मीडियम साइज की प्याज ली हुई है, इसे सबसे पहले हम फूड प्रोसेसर में बिल्कुल बारीक चॉप कर लेंगे। रफली इसे कट कर लिया है और इसे अच्छी तरह से हम चॉप कर लेंगे। ये प्याज जो है बिल्कुल सी मैंने इसे बारीक कर लिया है, फूड प्रोसेसर में बहुत ही अच्छी तरह से जो है बारीक हो चुकी है। अभी हम इसे एक छन्नी में डाल देंगे और इसका पानी बिल्कुल छान लेंगे। प्याज को इस तरह से बिल्कुल बारीक मैंने जो है वो पीस लिया था फूड प्रोसेसर में और इसे छन्नी की मदद से इस तरह से इसका पानी इस तरह से बिल्कुल हम निकाल देंगे। हमें बिल्कुल पानी की जरूरत नहीं है कबाब में, बिल्कुल जो है कोई भी चीज में बिल्कुल भी पानी नहीं होना चाहिए, तो प्याज का इस तरह से पानी हम पूरा निथार लेंगे। ये मैंने 700 ग्राम जो है बोनलेस चिकन ली हुई है और इसे बिल्कुल इस तरह से पीसेस में कट कर लिया है और अब हमें फूड प्रोसेसर में इसे बिल्कुल बारीक हम इसे चॉप कर लेंगे। लेकिन ये ख्याल रखना है कि इसमें बिल्कुल भी पानी नहीं होना चाहिए। मैंने इसे छन्नी में डाल के फ्रिज में रख दिया था थोड़ी देर के लिए और बिल्कुल भी इसमें पानी नहीं है। इसे फूड प्रोसेसर में ऐड कर देंगे। सारे चिकन को हमने फूड प्रोसेसर में डाल दिया है, साथ में ये मैंने 6 से 7 क्लोव्स गार्लिक के लिए हुए हैं, इसे भी रफली इस तरह से चॉप कर लिया है, वो ऐड कर देंगे। और साथ में मैंने 1 इंच का अदरक का टुकड़ा लिया हुआ था, थिक सा 1 इंच का अदरक का टुकड़ा है, इसे भी इस तरह से रफली चॉप कर लिया है, ये भी ऐड कर देंगे। और 6 से 7 हरी मिर्च ली हुई थी, इसे भी रफली चॉप कर लिया है। हरी मिर्च आप अपने टेस्ट के हिसाब से ऐड करना। अब इन सारी तीनों चारों जो चीजें हैं उसे अच्छी तरह से हम पीस लेंगे। चिकन को अदरक लहसुन और हरी मिर्च के साथ बहुत ही अच्छी तरह से पीस लिया है और बहुत ही इसका जबरदस्त सा पेस्ट रेडी हो गया है। अभी कोई भी एक बर्तन में हम इसे निकाल लेंगे। ये सबसे पहले जो हमने प्याज को पीसा था उसमें से बिल्कुल बहुत ही अच्छी तरह से पूरा पानी जो है वो निकल चुका है। आप देखिए इसमें कितना पानी था, ये हम इसे डिस्कार्ड कर देंगे, ये हमें नहीं चाहिए। और ये जितनी भी प्याज थी वो ऐड कर देंगे, साथ में ये हरा धनिया है, ये 1/2 कप जितना हरा धनिया भी ऐड कर देंगे हम। धनिया और प्याज वगैरह की खुशबू इसमें बहुत ही अच्छी आती है। साथ में ये 1 टेबल स्पून घी लिया हुआ है, वो ऐड कर देंगे क्योंकि हम इसमें चर्बी का इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं, तो हम घी से ये सॉफ्ट बनेंगे बहुत ही ज्यादा। और साथ में कुछ मसाले लिए हुए हैं, थोड़े मैं मसालों के बारे में आपको बता दूं कि इसमें जो धनिया है, जीरा और गरम मसाला मैंने अभी ही घर में इसको बना के और फिर यूज कर रही हूँ, क्योंकि फ्रेश फ्रेश जो आप ताज़ा बिल्कुल मसाले इस्तेमाल करोगे तो उससे बहुत ही फर्क पड़ता है कबाबों में और बहुत ही टेस्टी बनते हैं। यहाँ पर मैंने ऐड किया है 1/2 टीस्पून जो है वो पिसा हुआ भुना हुआ और पिसा हुआ जो है जीरा है, 1/4 टीस्पून हल्दी है, 1/4 टीस्पून ब्लैक पेपर पाउडर है, 1 टीस्पून नमक है, 1 टेबल स्पून मैंने लाल मिर्ची का पाउडर लिया हुआ है, मुझे थोड़ा चटपटा अच्छा लगता है, आप अपने टेस्ट के हिसाब से यूज कर सकते हो। मैंने 1 टीस्पून चिली फ्लेक्स लिए हुए हैं, 1 टीस्पून धनिया है घर का कुटा हुआ, जैसा कि मैंने आपको कहा फ्रेश ही से कुटा है, और 1/2 टीस्पून गरम मसाला पाउडर है, ये भी बिल्कुल घर का ताजा गरम मसाला पाउडर है, ये सारी चीजें ऐड कर देंगे। इसे अच्छी तरह से सारा मसालों के साथ अच्छी तरह से हम इसे मिक्स कर लेंगे। सारे मसालों को अच्छी तरह से मिक्स कर लिया है, अब हम इसमें ये जो चने का आटा है बेसन, ये अराउंड 4 टेबल स्पून हम इसमें ऐड करेंगे। और उसको आटा ये बेसन डालने के बाद हम इसे अच्छी तरह से कम
4-5 मिनट तक इसी तरह से अच्छी तरह से मसल मसल के हम मिक्स करेंगे। जिस तरह से आटा गूंथते हैं इस तरह से इसे अच्छी तरह से मिक्स भी करेंगे और साथ साथ में इस तरह से मसलते जाएंगे। ये मैंने इसमें 4 चम्मच जो है ये चने का आटा ऐड किया है। मैंने आपको बताना भूल गई थी कि मैंने इसे पहले हल्की आंच पे अच्छी तरह से हल्की आंच पे 1-2 मिनट तक इसे ड्राई रोस्ट कर लिया था, हल्का हल्का सा सेक लिया था, थोड़ी हल्की हल्की सी खुशबू आने लगी थी तो मैंने इसका चूल्हा बंद कर दिया था और हल्का सा हम इस तरह से इसे ड्राई रोस्ट करके फिर ही ऐड करेंगे। इस तरह से मैंने अभी इसे मसलते हुए 2 मिनट हुई है और 2-3 मिनट तक अच्छी तरह से हम मसलेंगे इसे। इस जो सारे मसाले जो भी हमने चीजें ऐड करी है वो बहुत ही अच्छी तरह से सब मिक्स हो चुकी हैं। अब आपको ये लग रहा होगा कि ये बहुत ही सॉफ्ट है, कबाब इसके किस तरह से बनेंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है। हम इसे जो है फ्रिज में रखेंगे ताकि मैरिनेशन के लिए मसाला भी अच्छी तरह से इसमें चढ़ जाएगा और जो हमने घी ऐड किया है उसकी वजह से बहुत ही अच्छी तरह से हमारे कबाब सेट होंगे। मैं इसे 3 या 4 घंटे के लिए हम मैरिनेट कर सकते हैं या आप इसे ओवरनाइट भी मैरिनेट कर सकते हो। अब मैं इसे कवर करके तकरीबन 2 से 3 घंटे के लिए फ्रिज में रखती हूँ और फिर मैं आपसे मिलती हूँ। इसे फ्रिज में रखा था, इसे 3 घंटे हो चुके हैं। अब हम इसे देख लेते हैं, ये बहुत ही अच्छी तरह से सेट हो चुका है। अब हम जो सीख कबाब बनाएंगे, ये मैंने बैम्बू स्टिक्स ली है इस पे बनाएंगे। बगैर बैम्बू स्टिक्स के भी मैं आपको बताती हूँ किस तरह से बनाएंगे हम। सबसे पहले हाथ को थोड़ा सा गीला कर लेंगे हम, और ये हमारी बैम्बू स्टिक है उसको भी थोड़ा सा हम गीला कर लेंगे ताकि निकालने में भी आसानी हो जाए। और अच्छा सा एक अमाउंट लेंगे, जो भी साइज की आपको कबाब चाहिए इस तरह से लेंगे कबाब को, उसको फैला देंगे अच्छी तरह से। मैं थोड़ी सी बड़ी कबाब बना रही हूं। अभी हमने अच्छी तरह से इसे फैला दिया है और अच्छी तरह से हम प्रेस कर लेंगे ऊपर से और नीचे से। अब हम इसे सीख कबाब का जो शेप देंगे, उंगलियों के निशान देंगे, उससे कबाब बहुत ही ज्यादा खूबसूरत लगते हैं। फिर से थोड़ा सा पानी वाला हाथ करेंगे हम, इस तरह से उसका हम शेप दे देंगे। इस तरह से बनाते जाएंगे और मैं आपको बताती जाती हूँ बगैर बैम्बू स्टिक के भी हम किस तरह से बनाएंगे। थोड़ा सा हाथ गीला करेंगे, एक अमाउंट लेंगे जितने भी साइज का हमें कबाब बनाना है, ये हम हाथ से बनाना है। अगर बैम्बू स्टिक नहीं इस्तेमाल करते हैं तो हाथ से हम इस तरह से भी बना सकते हैं। इस तरह से मैं सारी बना लेती हूँ। फिर से हाथ गीला करेंगे, अमाउंट लेंगे, थोड़ी हम बैम्बू स्टिक में बनाएंगे और थोड़ी हम विदाउट बैम्बू स्टिक बनाएंगे। ये मैंने दोनों तरह की कबाब जो है वो बना ली है। मैं आपसे बता दूं आपको मैं कि जब हम फ्रिज से मैरिनेट हो जाता है, फ्रिज से निकालते हैं, फौरन से कबाब बना के हम इसे शेलो फ्राई करेंगे। चलो अब हम इसे फ्राई करते हैं। मैंने फ्राइंग पैन रख दिया है और उसे हल्की आंच पे गरम कर लिया है। उसमें अराउंड 1 टेबल स्पून ऑयल ऐड करेंगे और उसे हम पैन को अच्छी तरह से ग्रीस कर लेंगे। और जब ये पैन गरम हो जाता है हम इसमें इस तरह से हमारी कबाब इस तरह से रख देंगे और बिल्कुल हल्की आंच पे ही पकाएंगे और थोड़ी थोड़ी देर के बाद हम इसे टर्न करेंगे और चारों तरफ से अच्छी तरह से हम इसे पकाएंगे। मैंने ये सारी जो स्टिक्स है इसको इस तरह से सबको लगा दिया है। अब थोड़ा सा हम ऑयल इस तरह से लेंगे, बस बहुत ज्यादा नहीं, और थोड़ा सा इस तरह से इस पे इस तरह से हम ऑयल लगा देंगे। बहुत ही कम कम इस तरह से ऑयल लगाएंगे और थोड़ी देर के बाद मैं इसे टर्न करती हूँ। इसी तरह से मैंने ये दूसरा पैन भी रखा हुआ है, इसमें हम बगैर स्टिक्स वाली भी जो है कबाब बना लेंगे। इसे भी इस तरह से अराउंड 1 टेबल स्पून ऑयल ऐड किया, इसको ग्रीस कर लेंगे अच्छी तरह से। और ये पैन भी गर्म हो चुका है,
ये वाली जो हमारी कबाब है इसे हम हल्के हाथों से उठा के इसे भी इस तरह से रख देंगे। मैंने कहा आपसे कि फ्रिज से निकाल के हम फौरन ही इसे बना के फौरन ही हम इसे इस तरह से शैलो फ्राई करेंगे। इसे भी हम थोड़ी थोड़ी देर के बाद चलाते रहेंगे इस तरह से, ऊपर से थोड़ा सा तेल, बहुत ज़्यादा नहीं, थोड़ा सा तेल हम इस तरह से लगा देंगे ताकि ये जो है वो पैन से चिपकना नहीं चाहिए। बस हल्की आंच पे पका रहे हैं, थोड़ी देर के बाद में से टर्न करती हूँ। इसे पकने में कम से कम 8 से 10 मिनट लगती है, हल्की आंच पे ही हम इसे पकाएंगे। अब देखो इस पर कलर आना भी शुरू हो चुका है। अब हम इसे हल्के हाथों से इस तरह से टर्न भी कर लेंगे, फिर हम साइडवेज में से भी पकाएंगे। चारों तरफ से अच्छी तरह से पक जाना चाहिए, फ्लेम को इसी तरह से स्लो फ्लेम पे ही हम करेंगे। इसे हमने टर्न कर लिया है और ये हल्की आंच पे पक रही है, तब तक हम इस साइड वाली कबाबों को भी देख लेते हैं। ये भी माशाल्लाह से बहुत ही अच्छी तरह से हो रही है, बहुत ही पेशेंसली हम इसे करेंगे ताकि अंदर से अच्छी तरह से कुक हो जाए। बस इसे हल्की आंच पे ही पकने देंगे। ये जो है तकरीबन होने आई है, मैंने इस तरह से चारों तरफ से इस तरह से इसे टर्न करती गई हूँ और चारों तरफ से अच्छी तरह से ये कुक हो रहे हैं। थोड़ी देर बाकी है इसमें, अब इस तरह से हम थोड़ा थोड़ा सा इसमें ऑयल लगाते जाएंगे तो हमारी सॉफ्ट सी चमकदार सी जो है कबाब रेडी होगी। फिर इसे टर्न करके फिर भी थोड़ा लगा देंगे। और जो ये वाली जो हमारी बन रही है, ये तकरीबन ये तो होने ही आई है, मैं इसे निकालती हूँ। एक कबाब चारों तरफ से अच्छी तरह से पक चुकी है, मैंने इसका फ्लेम ऑफ किया है। अब हमारी जितनी भी जो ये वाली भी कबाब है इसे हम रख देंगे और मज़ेदार से हम बारबेक्यू फ्लेवर देना है इसमें। तो कोयले को बिल्कुल लाल कर दिया है, गरम कर दिया है कोयले को, थोड़ी सी हरी मिर्च रख देंगे इस पर। और ये जो कोयला है इसे बिल्कुल गरम कर लिया है, इसे एक प्याली में रख दिया है, फ्लेम ऑफ है। उस पर थोड़ा सा हम ऑयल डालेंगे और इसे फौरन से कवर कर लेंगे, 5-7 मिनट के लिए कवर करके इसी तरह से रखेंगे। ये हमारे चिकन सीख कबाब बिल्कुल रेडी हो चुके हैं। मैंने इसके प्याज के साथ, हरी मिर्चों और इमली की चटनी के साथ इसे सर्व किया है। बहुत ही सॉफ्ट है, जूसी है और ऊपर से हमने ऑयल लगाया था तो बहुत ही ज्यादा शाइनी है। जब हम चिकन के बनाते हैं कबाब या कोई भी कबाब, मीट के बनाते हैं कबाब, बस उसमें पानी नहीं होना चाहिए। तो बिल्कुल आपने देखा कोई भी कबाब जो है वो टूटा नहीं है, बहुत ही अच्छी तरह से इसमें बाइंडिंग आ चुकी है। अगर कबाब सामने हो और खाने का किसे दिल नहीं चाहेगा, मैं इसे आपको तोड़ के भी बताती हूँ। देखिए आप ये कितने सॉफ्ट है, बहुत ही सॉफ्ट है और अभी तक इसमें से धुआं निकल रहा है। इसे मैं टेस्ट भी करती हूँ, बहुत ही मजेदार है और सॉफ्ट है। जो इसमें प्याज और जो मिर्चें वगैरह हमने डाली है उसका थोड़ा थोड़ा सा क्रंच भी आ रहा है, मजेदार है। मैं इसे एंजॉय कर रही हूँ, आप भी बनाइए, एंजॉय कीजिए। नेक्स्ट टाइम मिलती हूँ न्यू एंड एक्साइटिंग रेसिपी के साथ।